हेलो दोस्तों, कांति किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ आलू चना पनीर की बिल्कुल न्यू रेसिपी, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में लेंगे एक चम्मच देसी घी। घी जब मेल्ट हो जाएगा तो पूरे पैन में इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब इसमें ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर और इसे भी घी में से मिक्स कर लेंगे। देन इसमें ऐड करेंगे 200 ग्राम क्यूब्स में कटे हुए पनीर। पनीर मैंने घर में बनाया है। साथ ही इसमें थोड़ा नमक ऐड कर लेंगे और इसे हल्के हाथों से चलाते हुए भूनना है एक मिनट के लिए। ये घर का बना हुआ पनीर है, बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही टेस्टी है। तो जब भी आपका मन करे पनीर की कोई भी रेसिपी खाने का, तो आप भी घर पर ही पनीर बनाएं, क्योंकि मार्केट का पनीर आपको या तो बहुत महंगा पड़ता है या फिर कोई टेस्ट नहीं होता है। आफ्टर 1 मिनट इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अगेन इसी पैन में हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल लेंगे। आप चाहें तो सरसों तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। अब इसमें ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच जीरा। जीरा में जब क्रैक्स आ जाए तो एक छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। अब इसमें 2 कटे हुए आलू को हम ऐड करेंगे। साथ ही इसमें नमक ऐड कर लेंगे एक छोटी चम्मच और इसे ढककर 5 मिनट के लिए हमें बीच में चलाते हुए भूनना है। आफ्टर 5 मिनट इसमें हम फुला हुआ चना ऐड करेंगे और इसे भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद हम गैस ऑफ कर देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल जब गर्म हो जाए तब इसमें हम ऐड करेंगे एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से तेल मिक्स कर लेंगे। देन इसमें ऐड करेंगे 4 छोटी इलायची, 4 सूखी लाल मिर्च, 2 दालचीनी का टुकड़ा और इसे भी 10 से 12 सेकंड के लिए भून लेंगे। देन इसमें 2 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें 4 प्याज का पेस्ट ऐड करना है और इसे 5 मिनट के लिए बीच में चलाते हुए ढककर हमें भून लेना है। प्याज के भूनने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे 2 टमाटर का पेस्ट। साथ ही इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर, 1 छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर। कश्मीरी मिर्च डालने से सब्जी का कलर बहुत ही प्यारा आता है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें ढककर 7 से 8 मिनट के लिए बीच बीच में चलाते हुए भून लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे भुने हुए आलू और चना को और इसे भी 3 से 4 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें ऐड करना है 1 छोटी चम्मच चीनी। चीनी देने से सब्जी का कलर बहुत ही प्यारा आता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। मसाला जब अच्छे से भून जाए तब इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच पिसा हुआ कच्चा नारियल, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और इसे भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। देन इसमें ऐड करेंगे उबला हुआ पानी। जितना आपको ग्रेवी रखना है पानी आप उतना ऐड कर सकते हैं और इसे कवर कर 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब इसमें ऐड करेंगे भुने हुए पनीर को और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी 2 से 3 मिनट के लिए कवर कर कुक कर लेंगे। इस सब्जी को आप राइस, पूरी या पराठा के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा और ये बहुत जल्दी बन भी जाती है। फाइनली सब्जी जब रेडी हो जाए तब ऊपर से हम 1 चम्मच कसूरी मेथी ऐड करेंगे। साथ ही 1 छोटी चम्मच शाही गरम मसाला पाउडर और 1 चम्मच देसी घी और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दैन गैस ऑफ कर देंगे। गर्मा गर्म पूरी, राइस या रोटी के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगा। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन को क्लिक करिए, जिससे कि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।